وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا يستمع في جوف عبد الإيمان والحسد أما رباط جمديتي المؤمن المؤمن الحق एक सच्चा मुसलमान शरीत की नज़र में क़ुरान के आईने में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हादीस की रोशनी में उसकी ज़िंदगी की खदोखार क्या होता एक सच्चा मुसलमान कैसे होते हम हैं तो नहीं देख तो लें देख तो लें कि मुसलमान ऐसा होता है और फिर अल्लाह से मांग ले और कोशिश करते रहें अल्लाह रब कर हमारा हाशर इन लोगों के साथ फरमा हैं, निजात के फैसले अल्लाह की मदद और नुसरत के फैसले इज्जत और शदत के फैसले सच्चे ईमानवारे के साथ हैं सच्चे मुसलमान के साथ हैं इनबा आमनो फिन हयात दुनिया अल्लाह करीम प्रवाना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस दुनिया में ऐसी ईमान की मदद करें कि बात सच्चे ईमान वालों के साथ पान तो वनकुन तो वो मिनी गालिब तुम ही रहोगे लेकिन शर्त यह कि तुम अपने ईमान में सच्चे हो इज्जत तुम्हें मिलेगी इूज तुम्हें मिलेगा तादत तुम्हारे कदमों में आएगी अल्लाह की मदद वर्द तुम्हारे साथ होगी लेकिन मुसलमान हो, तो सच्चे मुसलमान की खूबियां और जिंदगी हम पढ़ रहे हैं उसका अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह के बंदों से ताल्लुक, औलाद से ताल्लुक, अपने घर वालों से ताल्लुक अखबार रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक, पड़ोसियों के साथ ताल्लुक, ये बात चल रही थी कि मुसलमान एक सच्चा मुसलमान एक माशरे के लिए इस्लामी माशरे के लिए एक कारमद फर्द होता है। मुफीद शख्स होता है। इमारत हो न उस इमारत में एक ईंट खराब हो पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा सके कमजोर है ना है तो वो पूरी इमारत की खूबसूरती के लिए दाग बन सकता है बदनुमाई का बायस बन सकता तो इस्लामी माशरे के लिए एक सच्चा मुसलमान बदनुमा नहीं होता खुशनुमा होता खूबसूरती होती अब ये लोग इज्तम यहाँ इतिकाफ़ बैठेंगे अब इज्तम में एक आदमी इतिकाफ के मजमे में एक आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता हो दुआएं मांगता हो कयाम करता हो लेकिन उसके अखलाक अच्छे ना हो तो उस पूरे इज्तमाही माहौल के लिए वो तकलीफ का बाए तकलीफ का बाए और एक है फराइज पूरे करता है वाजिबात पूरा करता है पूरी रात तो क्याम नहीं करता ज्यादा नफले भी नहीं पड़ता लेकिन उसके अखलाक अच्छे हैं किसी को उससे तकलीफ नहीं पहुंचती तो इस इजमाही मौत के लिए वो सरमाया है कि नहीं एक मुफीद फर्द है कि नहीं यही इस्लामी माशरे का हिस्सा ताल्लुक है कि अगर माशरे में एक आदमी अपनी ज़ात में बहुत अच्छा नमाजी है और बहुत अच्छे रोजेदार है और बहुत इबादत गुजार है लेकिन अखलाक अच्छे नहीं है तो के नबी सल्हल फरमाया करते थे ये जन्नत में जाने के काबिल नहीं जन्नत में जाने के काबिल नहीं एक सचा मुसलमान तो इबादत भी अच्छी करता है और उसका किरदार और अख्लाक भी अच्छा होता इबन आमर इब आसल जब एक सहाबीस के यहाँ घर गए और तीन दिन वहां ठहरे और तीन दिन के बाद फरमाने लगे साथ हम तुम्हारे घर इसलिए ठहरे थे, थे कि तुम्हें अल्लाह के नबी ने तीन बार जन्नत की बशारत दी है और हम ये देखना चाहते थे कि तुम्हारे अंदर खूबी क्या है और तुम तो फजर की नमाज में उठते हो और खूब रात को मीठी नींद लेते हो अजान होती है तो उठते लेकिन अदर साद अरत अब्दुल्ला फरमा लगे एक बात मैंने देखी अदर साद में एक चीज देखी मैंने जब भी करवट लेते थे तो उनकी जबान से अल्लाह का नाम जारी होता था गफलत में नहीं सोते थे और जब उनके साथ तो नशिस्त बैठने का मौका मिलता तो किसी की बुराई की तस्कर नहीं होते थे लेकिन मैंने उनकी इबादत मामूली समझी कि इतना बड़ा मरतबा कि इन्हें जन्नत की बशारत मिल रही है और सुबह उठते हैं कोई खास इबादत भी नहीं इतनी इबादत मैं तो हर मुसलमान करता था तो अपनी बात बताई कि मैंने तो तुम खलवतों तन्हाइयों की मुनाजात और इबादत देखने आया था वो तो मैंने देखी नहीं और तुम्हें अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दे रखी है जब जाने लगे ने बुलाया कहा एक बात है मेरे दिल में किसी के लिए हसद नहीं कीना नहीं नहीं खोट नहीं है मैं सबकी खैर खाई चाहता हूं फौज अब्दुल्ला फरमान लगे लगी भी यही तो है जिसकी हम ताकत नहीं रहते यही तो एक इस्लामी माशरे का असासा है बल्कि एक इस मस, एक इस्लामी घराने का असासा, है। जहां इज्तमाही माहौल है ऐसा आदमी दूसरों के लिए आंखों की ठंडक है राहत का बायस है सुकून की चीज है लोग उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन एक आदमी नफल पढ़ रहा है पजीफे कर रहा है तस्वीर पढ़ रहा है लेकिन हर आदमी उससे तकलीफ में है हमारे यहाँ मसाजिद में होता ना कोई आता पहले आके जान जामा बिछा देता कोई पहले आके कुर्सी लगा लेता है, है? कोई बाद में आता है आगे पहुंच जाता है वो बेचारा समझता है इसका नाम बुजुर्गी है अरे मिया इसका नाम बुजुर्गी नहीं है तुम्हें जहां जगह मिल रही है वहीं खड़ा होना बुजुर्गी है ये बेचारा समझता है इसका नाम बुजुर्गी है पहली सफ में नमाज पढ़ना पहली सफ में नमाज पढ़ना उस वक्त बुजुर्गी है जब तुम सबसे पहले आओ पहले आओ पहले आओ, पहले आओ, पहले आओ, पहले आओ तो तो पहले पहले है हजर को बोसा देना ऐसा है जैसे अल्लाह ताला से मुसाफा करना है लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है तुम दूर से इस्तेमाल कर लो तुम्हें वही सवाब मिलेगा जैसे तुमने उसको बोसा दे दिए तकलीफ नहीं देनी भाई एक इज्तिमाही माहौल में फूल कितना होता है कि किसी के लिए बोझ नहीं बनता हर एक के लिए खुशबू का बायस बनता है तो तो खाने तो मैं नमाज में आ गया नीयत कर ली लंबे रकाते पढ़ रहा नफल पढ़ रहा हूं और गाड़ी वहां खड़ी के सबको रास्ते में तकलीफ हो रही है ये तो बुजुर्गी नहीं है गाड़ी वहां खड़ी कर दी जहां सबको तकलीफ हो रही है ये तो बुजुर्गी नहीं ये तो दीनदारी नहीं ये दीनदारी नहीं रसूल सल अल्लाह का दिन तो बहुत खूबसूरत है बहुत मजे का है दूसरों को राहत मिले तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ ना हो अमल भी ऐसा और दिल का भी ऐसा सुबह खाना अमल भी ऐसा दिल का भी साफ सुथरा कीना परवर नहीं हसत नहीं खोट नहीं अब ये सलात वसलाम फरमाया करते थे एक दिल में दो चीजें इकट्ठे नहीं हो सकती कि वहां ईमान भी और हसत भी हो तो वह एक दिल में दो चीजें नहीं इकट्ठी हो सकती कि वहां हसद भी हो और ईमान भी हो दिल कभी साफ कभी हसत हसद क्या है कि जो इसे नेमत मिली है क्यों मिली है आग लगी हुई है अंदर मुझे मिले ना मिले कम से कम इसके पास न रहे ये हासिल है पर अपना खून जलाता है और अपनी नेकियां भी जलाता है सेहत भी खराब करता है दीन भी खराब करता है सेहत भी खराब करता है दीन भी खराब करता नेकिया भी यूं जल, जलती हैं, जैसे लकड़ियों का ढेर और और आग लगा दी जाए राख हो जाती है नेकिया भी ऐसी जलती हैं इससे और सेहत भी खराब होती हसद करने वाला हमेशा बेचारा इसके चेहरे पे चेहरा मुरझाया होता है इसलिए जब महसूद को देखता है जिसके पास नेमते हैं तो तबियत खराब हो जाती जब उसे देखता है तबीयत खराब हो जाती है। ये अल्लाह के फैसले पे नाराज होता है कि अल्लाह ने इसे क्यों दिया है मुझे क्यों नहीं दिया अल्लाह की पना इतहन हाशिदो से अल्लाह की पना अल्लाह की पना तो एक सच्चा मुसलमान दिल कभी साफ होता है अमाल और किरदार भी अच्छा दिल का भी साबीय अल्लाह फरमाए दुनिया परस्ती ऐसी है कि हसद भी साथ लेके आती है हसद भी साथ लेके आई सलाह तो फरमाया करते थे पहली उम्मतों में ये बीमारी थी हसद ये तुम्हारे अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता शराय कर रही है उसने पहलों को अलग किया तुम्हें भी अलग कर देगी दुनिया परस्ती जहाँ आती है ना शोरत नामो नमूद मैं सबसे नुमाया मैं सबसे आगे तो वहां हसद आता है वहां हसद आता है अच्छा फिर हम कहते हैं किसी की नजर लग अरे रमिया तुमने नजर लगाने का सामान क्यों किया नुमाइश ठीक तो ऐसे माहौल में फिर हसद बहुत होता है ऐसे माहौल में जब एक दूसरे से दुनिया में आगे बढ़ने की रेस लगी हो फिर बहुत असद होता है और अल्लाह माफ़ फरमाए में भी फिर होता है बीमारी है रोग है तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे सच्चा ईमान सेहतमंद मुसलमान उसके दिल में ईमान सेहतमंद हो वहां हसद नहीं होती हाँ ये, ये कह सकता है अल्लाह जैसे आपने ये नेमत इसे अता फरमाई है इसे बरकत दे मुझे भी अता फरमा हेला इसे और दे और वो तेरे खजाना में क्या कमी है मुझे भी नवाज दे क्यों मांग ले ना भाई क्यों मांग उसने आप, उसे आपने अता फरमाया है बोला तेरे खजाने में तो कमी नहीं है मुझे भी अता फरमा किसी का खाना अच्छा नहीं लगता किसी का कारोबार अच्छा नहीं लगता किसी का घर अच्छा नहीं लगता किसी की गाड़ी अच्छी नहीं लगती आग लग गई हाई ये सला तो फरमाया करते थे वह हैबोलसम वह तबा दो बिलकुलू जबान से कहेंगे गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है अंदर हस्त की आग जल रही हो घर बनाया आकर खुश दिल खुश हुआ अंदर ही अंदर आग जल गई अच्छी जेलरी ज्वेलरी लाई है आपने बड़ा अच्छा हार बनवाया है लेकिन अंदर ही अंदर तकलीफ बढ़ गई तो सच्चे नबी ने इस बीमारी की निशानदेही की कि वो तहा सुन वो बिल पोलो जबान से मोहब्बतों का इजहार होगा और दिल में हसद कीना होगा अंदर बो होगा कि ये क्यों मिल गया इस? बड़ा रोग है, बड़ा रोग नहीं रहती नकिया नहीं रहते नेकिया नहीं, ने नहीं रहती महीनों की सालों की मेहनत जाया हो जाती महीनों और सालों की मेहनत जाया हो जाया करते पहला इस रोग से हम सबको महफूज फरमाए, इस रोग से इस बीमारी से महफूज बड़ी सख्त रूहानी मरज है ये ऐसा आदमी अल्लाह पर मैं कभी खुश नहीं रहता जिंदगी में हासिल आदमी को आप खुश नहीं देखेंगे बुद्धि से देखेगा हसद आ रहा है जिसे देख रहा है, बढ़ रहा है। आग लग रही है तो आप अली सलाह तो फरमा फरमाया करते थे लोग हमेशा खैर में रहेंगे लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक वो आपस में हसद कर ना करें जहां आपस में हसद करने लगे इनसे भलाई उठा ली जाएगी ला ये सुबीर हो। लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक कि इनके आपस में हसत न हो जहां हसद आया भलाई चलेगी अल्लाह फरमाए अगर यासत घरों में आ जाए उस घर से भलाई चली जाएगी खानदान में आया वो वहां से खैर चली जाएगी माशरे में आया वो अल्लाह की खैर से मरूम हो जाएगी तो मुसलमान कीना परवर नहीं होता खोट नहीं होता हासिद नहीं होता बल्कि मुसलमान तो अपने भाई का खैरखा होता है आप रही सलाम से यार रसुल्ला दीन क्या है तो आपने दीन का तारुफ एक लफ्ज कराया फर्मा दीन और नसीहा। दीन तो खैरखाई का नाम है सुबह नख्तसर तारुफ दीन तो खैरखाई का नाम है पूरी दीवी जिंदगी का तारुफ एक लफ्ज है दीन अन खैरखाई का नाम है यानी कितनी बुनियादी आसार से हमारे दीन में दूसरे की भलाई चाहना दूसरे की खैरखाई चाहना दूसरे के लिए राहत बनना दीन तो भलाई का नाम है और फरमाया करते ईमान वाला तो ईमान वाले के लिए आईना है अगर उसमें कोई कमजोरी देखे तो मोहब्बत से जैसे आईना ढोल नहीं पीटता बल्कि जो आईना उसे देखता है उसको निशानदेही करता है कि तेरे चेहरे पे ये दाग है ढोल नहीं पीटता बदनाम नहीं करता तो ईमान वाले के लिए तो ईमान वाला आईना है अगर उसमें कमजोरी देखी तो चुपके से खैर खाई से उसकी रहनुमाई करते आना है फिर आप फरमाया लगे मुसलमान तो जालिम की भी मदद करता है अपने मजलूम भाई की भी मदद करता है रसूलुल्लाह जालिम की कैसे मदद करता फरमाया जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म से रोकना बड़े का नुकसान हो रहा है उस बेचारे का नुकसान हो रहा है अपनी आकबत खराब कर रहा है अपनी आखत खराब कर रहा है उसको जुल्म से रोकना उसके बैर खाई मजलूम को तेरी मदद की जरूरत है उसके हक में खैर खा बन के खड़ा हो गया मददगार बन के खड़ा हो गया मुसलमान है अल्लाह ताला भाई हम सबको ईमान की हकीकत नसीब फरमाए और इस्लाम की सच्चाई नसीब फरमाए और ये इस्तीफ़ात नसीब फरमाए अल्लाह कुल्लू वाला اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وشمل.